डिस्ट्रेस एंड टॉलरेंस, डिस्ट्रेस, हसन साहब ने कहा स्ट्रेसफुल इमोशंस को डिस्ट्रेस कहते हैं, एक आंसर ये है बिल्कुल। स्ट्रेसफुल इमोशंस कौन कौन से हैं? ऑल नेगेटिव इमोशंस। अच्छा, इमोशंस हमारी लाइफ में किस लिए होते हैं? इमोशंस होते हैं बताने के लिए कि आप फील कैसे कर रहे हो, ठीक। अच्छे इमोशंस वो होते हैं जिनमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, नेगेटिव इमोशंस आर द वन जिनके साथ कोई डिसकम्फर्ट आता है साथ, ऐसा ही है। बहुत कम लोग हैं जो नेगेटिव इमोशंस को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, राइट। तो नेगेटिव इमोशंस को टर्म कर दिया गया डिस्ट्रेस के नाम से। इनटॉलरेंस होती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होते, डिस्ट्रेस इनटॉलरेंस, इन दोनों वर्ड्स को जब साथ मिलाते हैं, जब हमसे नेगेटिव इमोशंस बर्दाश्त नहीं हो पाते तो उसको डिस्ट्रेस इनटॉलरेंस कहते हैं, सही। टॉलरेंस डेवलप करनी है इन नेगेटिव इमोशंस की तरफ। एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, हर इंसान स्ट्रेसफुल इमोशंस को डिफरेंटली ट्रीट करता है, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वेदर ठंड ले लें, कुछ लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है, राइट, कुछ लोगों को कम, कुछ लोग टॉलरेट कर लेते हैं। गर्मी के साथ भी इसी तरह से, कुछ लोगों से नहीं रहा जाता इसी के बगैर, और कुछ लोग इसी के बगैर बैठ सकते हैं काफ़ी देर तक, ऐसा है, राइट। इमोशंस के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ लोग नेगेटिव इमोशंस में भी बहुत अच्छा एक्ट कर लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं उसको, उसके रीज़न को समझते हैं, निकल जाते हैं मुसीबत से, और कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती और वो पैनिक कर जाते हैं, गिव इन कर देते हैं, ठीक। डिस्ट्रेस एंड टॉलरेंस इज़ परसीव्ड एज एन इनएबिलिटी टू फुली एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट, अवर्सिव और अनकंफर्टेबल इमोशंस एंड इज अकॉम्पनीड बाय डेस्परेट नीड टू एस्केप द अनकंफर्टेबल इमोशंस। सो दैट जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होते नेगेटिव इमोशंस, तो जिन लोगों से बर्दाश्त नहीं होते ना, उनका बस नहीं चलता कि एज सून एज ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। लाइक अब 100 डेज़ की एग्जाम्पल ले लें, सबके लिए मुश्किल है, ऐसा ही ना बादल साहब, सबके लिए मुश्किल है, ट्रू। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं 100 डेज़ को, आपने देखा है ऐसा पैटर्न पेशेंट्स में देखा है, राइट। क्या होता होगा उनके केस में, डिफरेंट क्या है बाकी पेशेंट्स से? नहीं, खुश नहीं रहते, ये नहीं है। किसी को लगता है यहाँ पे कि मैं बहुत सब्र वाला हूँ, मैंने मुश्किल टाइम बहुत आसानी से गुजार लिया है। वैसे क्या मुश्किल टाइम गुजारा हुआ आपने? ये वाला मुश्किल है? अच्छा, इलाज की बात हो रही है, मुश्किल टाइम है आपके लिए? मुश्किल टाइम तो कासिफ साहब जो गुजारा हो, जब आप विड्रॉल्स में होते थे, बट गुजरता तो नहीं था, आप एस्केप नहीं करते थे उसको ड्रग्स करके, सिगरेट की हेल्प लेके आप एस्केप कर लेते थे ना, नहीं आप गुजरते नहीं थे, क्या मुश्किल टाइम गुजारा है? मुश्किल टाइम था लेकिन एस्केप कर रहे थे, विल कम ओवर इट। क्या आप एस्केप किस तरह से कर रहे थे उस टाइम को? डिफ़िकल्टीज टॉलरेटिंग डिस्ट्रेस आर ऑफन लिंक टू अ फियर ऑफ एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इमोशंस। होता ये जो डर होता है हमारा, राइट, कि कोई नेगेटिव इमोशन है, ये इस सारे एक्सपीरियंस को और ज़्यादा मुश्किल कर देती है। आ रही है बात समझ से चाचा साहब? एज इन टॉपिक थोड़ा सा डिटेल मांगता है, तो जहाँ पे समझ नहीं पूछ लीजिएगा। एक इमोशन है जो कि नेगेटिव है, सही, एंड द फैक्ट कि क्योंकि हमें इतना मुश्किल लग रहा होता है उससे गुजरना, वो उसको और मुश्किल बना देता है। किसी को रोज़ा लग रहा हो अगर, और वो सोचता रहे कि कितने घंटे रह गए हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी ये चीज़ उनके लिए? वरना रोज़ा तो सब इक्वल घंटों का ही रखते हैं आसपास, राइट, सबके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल किन लोगों के लिए होता है? जिनकी बर्दाश्त कम होती है। ऑल्सो मुश्किल तब भी हो सकता है जब आप सोचते रहते हो कि नहीं, ये मुझसे रखा नहीं जाएगा, कुछ बिलीव्स अटैच कर लेते हैं ना कि ये पॉसिबल नहीं होगा। 100 डेज़ वाली बात ले लें, कोई पेशेंट मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं मुझे 100 डेज़ यहाँ पे रहना है, वो अपने आप को बता रहा है कि 100 डेज़ मुझसे यहाँ पे नहीं रहे जाएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना शुरू कर देगा। सो एवरी टाइम फैमिली या काउंसलर्स उसको न्यूज़ ब्रेक करने की कोशिश करेगी कि 100 डेज़ हैं आपके, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? नहीं हो सकता, वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। एक्शन, कोई एक्शन दे सकते हैं ना जवाब में अरसलान साहब? जैसे कि क्या एक्शन दे सकते हैं? आपको मीटिंग याद है आपकी जिसमें आपने एक बार एक्शन दिया था? क्या हुआ था? शीशा तोड़ दिया था। किस बात पे? डेज वाली बात पे। आप फैमिली को कह रहे थे कि लेके चले जाएं, वो नहीं लेके गए, बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रेविंग्स थी मोस्ट प्रॉब्ली आपकी, राइट, क्रेविंग्स थी, आपने शीशा तोड़ दिया, कोई हल तो नहीं निकला इस मसले का, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थी थोड़े टाइम की बस, उस वक्त सुकून मिला, इम्पल्सिव डिसीजन। 3 उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया नेगेटिव इमोशंस को। सबसे पहले सैडनेस है, सैडनेस के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि हर्ट होते हो जब आप, डिस्पेयर, गिल्ट, शेम, सैडनेस, डिप्रेशन, ग्रीफ, मिजरी एटसेट्रा, रिजेंटमेंट्स भी हैं सैडनेस में, एक अम्ब्रेला, और उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। सैडनेस डिफरेंट इंटेंसिटी जो है ना, वो इस पे रिलाई करती है। एक इमोशन हो गया नेगेटिव सैडनेस का, दूसरा फियर का। फियर के अंदर कौन कौन से इमोशंस आते हैं? डर, नर्वसनेस, एंजाइटी, ड्रेड, पैनिक, टेरर, लोनलीनेस अभी आ जाता है, मैड, गुस्सा। गुस्से के अंदर कौन कौन से इमोशंस आते हैं? अच्छा, 3 इमोशंस हैं, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 3 इमोशंस हैं, कौन कौन से? सैड है, मैड है, स्केर्ड है,
ठीक, इसके अंदर फॉल करते हैं सारे इमोशंस, ये चीज़ क्लियर है? क्या लगता है इनमें से, इन तीनों में से कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा मुश्किल है? जब गुस्सा आता है, स्केर्ड, मैड, ग्रीफ को आप अच्छे से ले लेते हैं, लेकिन अगर उदासी हो किसी चीज़ की तो वो आप मैनेज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा इमोशन है डील करना? सैडनेस, तीनों ही हैं कुछ के लिए। क्वेश्चन इज कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा इमोशन आपको सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देता है, बहुत अनकम्फर्टेबल है उस इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए? मैडनेस एज इन गुस्सा, इरिटेशन, सैडनेस, ग्रीफ नहीं बर्दाश्त होता आपसे, तीनों ही हैंडल हो जाते हैं किसी के लिए। अब एस्केप नहीं ढूंढा करते थे पहले कोई। नेगेटिव इमोशंस के साथ लोग कैसे डील करते होंगे, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या करते होंगे इनके साथ? एस्केप करते हैं, वैसे करते क्या हैं उस टाइम को गुजारने के लिए जो कि मुश्किल है, जिसमें कोई ऐसी न्यूज़ मिल गई है जो कि बहुत स्ट्रेस दे रही है, अवॉइड करते हैं और इग्नोर करते हैं, और सजेशन क्या दे रहे होते हैं, किस तरह से कहते हैं कि टाइम ईजी हो जाएगा, गुजर जाएगा? आपको गुस्सा आता है तो लोग कुछ कहते होंगे ना गुस्सा कम करने के लिए, किस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं? ठंडा पानी पियो और डीप ब्रीदिंग करो और बैठ जाओ थोड़ी देर, कुछ नहीं होता, टाइम गुजर जाएगा। आपको समझ आ रहा होता है ये सजेशन उस वक्त, हेल्प कर रहा होता है? नहीं, राइट, बिकॉज उस स्टेट से आप गुजर रहे होते हो। अच्छा, जो पैराडॉक्स वाली चीज़ है ना, मतलब सिचुएशन को समझाने के लिए, वो ये है कि एक इमोशन है जो कि है मुश्किल, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक इमोशन है जो कि नेगेटिव है, वो गुजारना मुश्किल है ऑलरेडी, लेकिन जितना ज़्यादा आप सोचेंगे इस बारे में कि ये बहुत मुश्किल है, उतना ही ज़्यादा वो मुश्किल होता जाएगा। मतलब आप डबल स्ट्रेस ले रहे हैं। अपनी लाइफ में ऐसे किसी एक्सपीरियंस को उठा के देखें जो कि बहुत मुश्किल लग रहा होगा उस वक्त, लेकिन आपने ख़त्म कर लिया होगा, लाइक पास कर लिया होगा इस चीज़ को, राइट? फिर बाद में जाके सोचा कि नहीं, इतना मुश्किल नहीं था। 100 डेज अब कम मुश्किल लगते होंगे जिनके गुजर गए हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं पता कि उनसे नेगेटिव इमोशंस कैरी होते हैं या टॉलरेट होते हैं, नहीं तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एक एक करके जाते हैं। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन कि ये होते हैं आपसे बर्दाश्त या नहीं होते। फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और अपसेट इज़ अनबेरेबल टू मी। अपसेट फील करना या स्ट्रेस में फील करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिनसे बर्दाश्त नहीं होता स्ट्रेस में फील करना, हो जाता बर्दाश्त एहतशाम से? तो हाथ खड़ा कर दें एटलीस्ट, वी नो किस किस से नहीं होता बिल्कुल बर्दाश्त। याद रखने हैं इनके जवाब, सो दैट एट दी एंड हम आइडेंटिफाई कर सकें इफ टॉलरेंस है हमारी बिल्ट या नहीं नेगेटिव इमोशंस की तरफ। सही, व्हेन आई फील डिस्ट्रेस्ड और अपसेट ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज हाउ बैड आई फील। जब भी इस नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हैं तो सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि कितना बुरा लग रहा है मुझे इस नेगेटिव इमोशन की वजह से। आई कॉन्ट हैंडल फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और अपसेट, हैंडल नहीं होते मुझसे नेगेटिव इमोशंस। My feelings of distress are so intense that they completely take over kar lete mere upar, intensity bahut zyada hai inki. There is nothing worse than feeling distressed or upset. I don't tolerate being distressed or upset as well as most people. Ke baaki logo se jab main compare karta hu apne aap ko to utna acha mujhse handle nahi hota jitna baaki sab kar lete hain. My feelings of distress or being upset are not acceptable. I'll do anything to avoid feeling distressed or upset. Aisa hota कि एज लॉन्ग एज ये फीलिंग दूर हो जाए, ऐसे ही है? तो सिगरेट की जब क्रेविंग होगी ऐसा हो सकता है कि इतना गंदा लग रहा है, इतनी एंजाइटी हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग ये क्रेविंग है, इट्स फाइन सिगरेट ही है ना, रिकवरी बाद में सोचेंगे। आई डू एनी थिंग टू अवॉइड फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और अपसेट, ओके। अदर पीपल सीम टू बी एबल टू टॉलरेट फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और अपसेट बेटर देन आई कैन, इट्स द सेम थिंग। नहीं, ये हाथ क्वेश्चन पर उठा रहे हैं? नहीं नहीं, सॉरी। माई फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस और बींग अपसेट स्केयर मी, कभी डर लगा इन फीलिंग से, अपसेट करने वाली फीलिंग से डर लगा? किस चीज़ का डर, क्यों? कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कुछ नुकसान, किसी का नुकसान ना हो जाए। आई डू एनी थिंग टू स्टॉप फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और अपसेट, ओके। वैन आई फील डिस्ट्रेस्ड और अपसेट आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली वैन आई फील डिस्ट्रेस्ड और अपसेट। नहीं, कंपेयर नहीं कर रहे अपनी सिचुएशन को, जैसे अपने आप को यू नो हम रीड करते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, शायद कोई और होता तो सिचुएशन से निकल जाता। डू यू गेट इट? जब लोग एडवाइसेस देते हैं कि मुश्किल टाइम है बट पास हो जाएगा, इस तरह की कोई भी चीज़, ऐसी कोई ट्रेजेडी एक्सपीरियंस कर लें जो कि एक घर पे आई हो, तो सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होता है, कुछ लोग बहुत कामली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं पेशेंस के साथ। आम टर्म्स हम ये यूज़ कर रहे होते हैं कि काफ़ी पेशेंटली एंड्योर किया, काफ़ी जल्दी अपने 100 डेज एक्सेप्ट कर लिए, काफ़ी जल्दी मुश्किल टाइम गुजारा, क्रेविंग्स हुए लेकिन अच्छे से मैनेज कर लिया, विड्रॉल्स हो रहे थे लेकिन अच्छे से मैनेज कर लिए, यू नो, जैसे इस चीज़ को ले लें। कुछ लोग होते हैं हमें पसंद नहीं होते, उनके आसपास रहना भी हमें अच्छा नहीं लगता, बट काफ़ी लोग हैं जो कि पता नहीं लगने देते हैं लोगों के, यू नो, आप हमें पसंद नहीं है इस तरह से, उनके आसपास काफ़ी नॉर्मल एक्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते,
या तो फेक नहीं कर सकते, या तो अवॉइड ही करते हैं लोगों को, टेम्प्ररी भी फेक नहीं कर सकते, यू नो, कि अगर बुरा लग रहा है कोई तो बता देना और सीन क्रिएट कर देना. आई कैन नॉट हेल्प बट कंसंट्रेट ऑन हाउ बैड द डिस्ट्रेस एक्चुअली फील्स. कंसंट्रेशन सिर्फ इसी चीज़ पे रहती है कि स्ट्रेस बहुत बुरा है. इन स्टेटमेंट्स के बाद किस किस को लगता है कि नहीं, हमसे नहीं टॉलरेट होते नेगेटिव इमोशंस? नेगेटिव इमोशंस जिन जिन से टॉलरेट नहीं होते, आप कैसे करते हैं टॉलरेट? डाइवर्ट करते हैं. हेल्पफुल नहीं है डाइवर्ट करना, एक्सेप्ट करना है. और ये बिलीव्स कुछ अटैच कर लेते हैं हम अपने साथ. ये स्टेटमेंट्स होती हैं कि मुझसे नहीं होगा, आई कॉन्ट डू इट, टॉलरेट नहीं हो पाएगा, आई कॉन्ट कॉप विद दीज फीलिंग्स, आई लूज कंट्रोल, आई गो क्रेजी, दिस फीलिंग विल कीप गोइंग ऑन फॉर एवर, इट इज़ रॉन्ग टू फील दिस वे, इट्स स्ट्यूपिड एंड अनएक्सेप्टेबल, इट्स वीक, इट्स बैड, इट्स डेंजरस. समझ सारी होती हैं. सबसे बेसिक एग्जांपल जिसके साथ करेंटली इस वक्त इंडोर के पेशेंट रिलेट कर सकते हैं ना, वो नंबर ऑफ डेज की हैं. यू गेट इट? कि 100 डेज किसी भी तरह का बिलीफ आप ले आए, ये पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये स्टेटमेंट की ये कैद है, ये मतलब ये बिलीव है आपका, मतलब परसेप्शन है ना आपका देखने का. कुछ लोग इलाज की तरह देखते हैं इसको, कुछ लोग कैद की तरह. तो जो आप फीड करेंगे उसी तरह से देखना शुरू कर देंगे कि घर वालों ने कैद में रखा हुआ है. इसी वजह से कुछ पेशेंट, बहुत कम पेशेंट, लेकिन रिजेंटमेंट रखते हैं आउटडोर होने के बावजूद घर वालों से, क्या आपने भेज दिया था कैद ने. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. अच्छा, एस्केप मॉडल, बेसिकली नेगेटिव इमोशंस को एस्केप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से. सबसे पहला ये कि अवॉइड करते हैं, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं. एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस की बात होती है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स. उसमें क्या करते हैं एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस? क्या आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है मुझे एंजाइटी देता है, या इसमें मैं नर्वस फील करता हूँ, तो उसको अवॉइड करते हैं. स्कूल में छुट्टी की हो, जिस दिन कोई टेस्ट हो, वो सब्जेक्ट अच्छा ना लगता, बंक किया हुआ है टेस्ट से बचते हुए, और इस तरह की सिचुएशन जो जिसको अवॉइड ही कर दिया हो. किसी को अच्छा, मतलब कोई किसी को लगता है मैं बहुत शाई हूँ, मुझसे ज़्यादा बात नहीं होती, घर पे मेहमान आए और उस दिन घर से बाहर चले जाना, उनके सामने नहीं आना, अम्मी अब्बू फ़ोन पकड़ा दें किसी रिलेटिव से बात करने के लिए, देन नहीं नहीं सर हिला रहे होते नहीं, और फिर पकड़ा देते हैं फ़ोन वो. देन इस तरह की सिचुएशंस, ड्रग्स के केस में ले लें, फैमिली जब कन्फ्रंट करना चाह रही होती है ड्रग्स के ऊपर, तो दिल कर रहा होता है ना जान छूट जाए इस क्वेश्चन से, बात डाइवर्ट हो जाए, या इस टाइम पे आना जिस वक्त अबू वेट ना कर रहे हो, या अम्मी को नज़र ना आ जाए कि लेट आ रहा हूँ, या कोई पैकेट ना पकड़ा जाए, और अगर पकड़ा गया तो फिर दोस्त का है. अवॉइड करना किसी भी सेंस में, ठीक है? तो इन सारे नेगेटिव इमोशंस को, ऐसी सिचुएशन को ही अवॉइड करना जो ऐसे इमोशंस देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोर्स वर्क को ले लें, ACCA के स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेने के लिए कह रही हूँ. कितना ज़्यादा ड्रॉप आउट का रेट है ACCA के अंदर? काफ़ी ज़्यादा है. किस वजह से? मुश्किल है काफ़ी, और क्या इमोशन है जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, जिस वजह से स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते, इसलिए ड्रॉप आउट कर देते हैं. किसी और फील्ड को भी ले लें, इंजीनियरिंग को ले लें, लोग अक्सर स्विच करते हैं, MBBS मेडिकल ले लें, या तो स्विच कर लेते हैं या फिर हेल्प लेना चाहते हैं किसी सब्सटेंस से आसान करने के लिए उस प्रोसेस को. रीअश्योरेंस सीकिंग और चेकिंग. अच्छा, दिस इज़ जब लोग अपने इमोशंस के बारे में बार बार किसी से पूछते रहते हैं रीअश्योर करने के लिए. स्ट्यूपिड तो नहीं लग रहा? ऐसा लगे कि कभी कभी लोग आपसे पूछ के प्रिपेयर करते हैं अपनी किसी मीटिंग के लिए, किसी टेस्ट के लिए, किसी प्रेजेंटेशन के लिए, बट पूछते रहते हैं. एक होता है एडवाइस लेना, एक होता है स्टेप बाय. हाँ हाँ, ये ठीक है, मैंने उसको ये कहा, बुरा तो नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया. अपने हर एक्शन के ऊपर रीअश्योरेंस मांगना कि अगला सामने वाला वैलिडेट कर दे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ताकि तसल्ली हो जाए.
डिस्ट्रैक्शन एंड सप्रेशन ये एस्केप का मेथड है विच इज़ नॉट गुड. जिन जिन लोगों ने कहा कि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी और तरफ अटेंशन रखे, उससे होता ये कि आप सप्रेस कर रहे होते हो. नुकसान क्या है इसका? नम करना और विड्रॉ करना. नम करना और विड्रॉ करने में ये हो सकता है कि जहाँ पे लोग सोना शुरू कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, सो रहेंगे तो रियलिटी को फेस नहीं करना पड़ेगा. ऐसा फेज़ आता है सबकी लाइफ में जहाँ बहुत बहुत घंटों के लिए सोते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं कि उठेंगे तो. नमिंग और विड्रॉइंग की बात कर रहे थे, जब बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत से ज़्यादा सोना शुरू कर दे कि उठना ना पड़े उन सारी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के लिए. खाना खा के पेन को नम करने की कोशिश करना, पेन को नम करने की कोशिश करना. लोग अपने मूड को मैनेज करने के लिए खाने की हेल्प लेते हैं, मीठी चीज़ें खाना, ओवर ईट कर लेना, इस तरह से. तीसरा ऑप्शन नींद का था, खाने का था. तीसरा ऑप्शन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ड्रग्स का है. ड्रग्स लेके ख़ुद को नम कर लेना सो दैट इन नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस ना करना पड़े. डू यू गेट इट? आपको इमोशंस फील ही ना हो. ड्रग्स की तो हेल्प ली हुई है ऑलमोस्ट सब ने यहाँ पे उन इमोशंस को एस्केप करने के लिए, राइट? जो लोग अल्कोहल लेते हैं पार्टीज इन्जॉय करने के लिए यूजली शाय नेचर के होते हैं. यू गेट इट? इतना ओपनली बात नहीं कर सकते. अल्कोहलिक के बारे में ये चीज़ सबसे ज़्यादा सुनी गई है कि वेन दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस तो दे आर फन पीपल, उनके साथ आप इन्जॉय कर सकते हो. जब उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए होते तो उनसे बात नहीं हो पाती. आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो हिट करता है ना लोगों का, जो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो ड्रग्स करने के बाद, वो ये होता है आप एंजाइटी को ओवरकम कर रहे हो. तो एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स जो रिटलिन की हेल्प लेते हैं या किसी भी स्टिमुलेंट ड्रग की हेल्प लेते हैं शम साहब, तो वो नेगेटिव इमोशन जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम्स का, उससे बचने के लिए लेते हैं. हेरोइन के पेशेंट विड्रॉल की जो तकलीफ होती है उससे बचने के लिए ड्रग्स की तरफ जाते हैं बाद में. ऐसा नहीं है, शुरू प्लेजर के लिए करते हैं. इन सम केसेस यू आर राइट, हम इसलिए ड्रग कर रहे होते हैं बिकॉज नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन इट, अब हम एडिक्टेड हैं. बट बहुत सारे केसेस में ड्रग्स इसीलिए आए होते हैं कुछ हमें हमारे इमोशंस के साथ हेल्प कर रहे होते हैं. हार्मफुल रिलीजेस, बेसिकली हार्मफुल रिलीजेस जब सेल्फ हार्म की तरफ कोई जाता है. सेल्फ हार्म में यही होता है, पेनफुल इमोशंस होते हैं, बिल्डअप हो रहे होते हैं, उन पेनफुल इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए यू हार्म योरसेल्फ. अच्छा, एस्केप वाले मेथड में मसला क्या है? एक तो ये कि आपको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता कि इन इमोशंस को नेचुरली किस तरह से डील करना है इनके साथ. जो इन इमोशंस का काम होता है वो आप कर नहीं पाते. अगर एंजाइटी का काम ये है कि आप बेहतर परफॉर्म करो लाइफ में और आप पूरी चीज़ को अवॉइड कर देते हो, तो आप एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हो. आप सक्सीड नहीं कर पाते अपनी लाइफ में. सैडनेस, ग्रीफ ओवरकम नहीं करते तो यू आर ऑलवेज कैरिंग इट विद यू. ठीक है रेट? जैसे क्रेविंग्स के साथ कहते हैं ना, कुछ ट्रिगर्स अटैच्ड होते हैं जिनकी वजह से आप ड्रग्स को क्रेव करते हो उस पर साहब. नेगेटिव इमोशंस के साथ भी इसी तरह से, पहले तो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि वो चीज़ें क्या हैं जिनकी वजह से आप पर्टिकुलर नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो. कौन से नेगेटिव इमोशंस जो कि सबसे ज़्यादा अनबियरेबल हैं आपके लिए? ये ट्रिगर कम इस तरह से किया जा सकता है कि पेशेंस डेवलप किया जाए, राइट? ट्रिगर. दूसरी बात ये कि नेगेटिव इमोशन जो ट्रिगर के साथ आपका अटैच होता है, अपने उस नेगेटिव इमोशन को आइडेंटिफाई करें. नेगेटिव इमोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी किया जाता है, उस इमोशन को लिख लें, आज कर लें. आज के दिन में ये टास्क किया जा सकता है. जो भी नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशन लिखें, रेट करें ख़ुद को कि कितना टॉलरेट, लाइक कितना इंटॉलरेंस है इस इमोशन को लेकर, और मैं करता क्या हूँ इस इमोशन से बचने के लिए. नहीं, यहाँ पे रहते हुए कुछ करते होंगे ना डील करने के लिए, तो आइडेंटिफाई कर लें कि मेरा पैटर्न क्या है इसको डील करने का. नेगेटिव इमोशन, डिस्ट्रेस, इंटॉलरेंट बिलीफ, कोई बिलीफ तो नहीं जो मैंने अटैच किया हुआ इसके साथ कि मेरे बर्दाश्त के बाहर है. वो जो बिलीव्स थे जो हमने कहे कि आई कॉन्ट टेक इट, आई कॉन्ट टॉलरेंट स्टफ लाइक दैट, कि कुछ अटैच किया हुआ हमने, राइट, कि मुझसे हो नहीं पाएगा, उन बिलीव्स को भी आइडेंटिफाई कर लें. एंड देन देखें कि एस्केप किस तरह से करते हैं सो दैट आप उस एस्केप करने के तरीके को इग्नोर कर सकें. अपने नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ डील करने का तरीका सोचना है रादर देन कि हम उनको एस्केप करें. बिकॉज एस्केप करना हेल्दी नहीं है. एस्केप करने से इमोशन कहीं जा नहीं रहा है, आप ही सफ़र कर रहे हो. शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन मिलती है एस्केप करने से. शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के इंस्टेंटली आपको बेहतर फील करवाता है, बट लॉन्ग टर्म में वो मसला वहीं पे रहता है, कहीं जाता नहीं है.